Welcome back to the channel. तो आज मैं बहुत excited हूँ क्योंकि आज मैं एक ऐसा brand feature कर रहा हूँ जो कि मैंने पहले कभी भी इस channel पे feature नहीं किया. तो आज मैं review करूँगा Kramer का Focus VT211S model. तो बात करेंगे क्या special आपको इस electric guitar में देखने को मिल जाता है. इसके अलावा इसका sound check करेंगे और overall देखेंगे क्या ये value for money है कि नहीं. तो बहुत ही useful और interesting video होने वाली है आप सबके लिए. So let's get started. Kramer गिटार जो है 1980s में एक बहुत ही पॉपुलर ब्रांड रहा है. बहुत से फेमस गिटारिस्ट जो है Kramer गिटार्स प्रेफर करते थे और इनमें से सबसे बड़ा नाम आप सबने ही सुना होगा वो है एडी वैन हेलन. Kramer गिटार्स की अपनी एक डिस्टिंक्टिव लुक रही है और डिज़ाइन रहा है, जैसे कि जो कलर्स होते थे बहुत ही फ्लैशी और बड़ी क्रेजी होते थे. इसके अलावा यहाँ पे जो Kramer का एक डिस्टिंक्टिव हेडस्टॉक डिजाइन है वो है ये बनाना शेप डिजाइन जो कि आपको Beretta मॉडल में देखने को मिल जाता है. एक और फैक्ट मैं आपको बताना चाहूंगा कि 95 या 96 के अराउंड जो है Gibson ने Kramer एक्वायर कर लिया था. तो नाउ Kramer कम्स अंडर Gibson ब्रांड. अगर मैं कुछ साल पहले की बात करूँ तो इंडिया में आपको जो है Kramer गिटार्स देखने को नहीं मिलते थे. बहुत ही कम लिस्टिंग्स, मेरे को याद भी नहीं होगा हार्डली कोई लिस्टिंग रही होगी कि मैंने ऑनलाइन Kramer गिटार्स की देखी हो. इसके अलावा जो है बहुत ही कम लोग थे जो कि पुराने मॉडल्स Kramer के ओन करते हो. तो Kramer पहले जो है इतना पॉपुलर इंडिया में नहीं होता था और अभी कुछ टाइम पहले ही जो है Gibson ने इसको रिवैम्प किया इस पूरे ब्रांड को और यहाँ पे जो है एंट्री लेवल सीरीज में कुछ ओरिजिनल डिज़ाइंस लॉन्च की है. तो अब यहाँ पे बात करें Kramer फोकस सीरीज की तो ये वन ऑफ द अर्लीस्ट डिज़ाइंस है Kramer गिटार्स का और देखने में आपको जो है कि ट्रेडिशनल स्ट्रैट डिज़ाइन इलेक्ट्रिक गिटार ही दिखेगा, लेकिन यहाँ पे कुछ कुछ जो है डिफरेंट टच दिया है Kramer ने इस गिटार में. तो यहाँ पे सबसे पहले हम स्पेक्स देख लेते हैं. तो इस गिटार में आपको देखने को मिल जाती है एक महोगनी बॉडी, मेपल फ्रेटबोर्ड, मेपल नेक. इसके अलावा यहाँ पे आपको क्लोज बैक ट्यूनिंग कीज देखने को मिल जाती है, एक ट्रेमेलो ब्रिज देखने को मिल जाता है. इसके अलावा यहाँ पे आपको एक वॉल्यूम और दो टोन नॉब्स देखने को मिल जाती हैं. इसके अलावा यहाँ पे आपको HSS पिकअप कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलता है विद 5-way पिकअप सिलेक्टर. यहाँ पे आपको 21 मीडियम जंबो फ्रेट्स देखने को मिल जाते हैं. फोकस सीरीज में आपको चार कलर ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं. एक तो है ये टील जो कि ग्रीनिश कलर है, बहुत ही अमेजिंग लगता है. इसके अलावा एक रूबी रेड है, पर्पल है और इसके अलावा एक ग्रे कलर है. यहाँ पे प्राइस की बात करें तो इस गिटार की जो MRP है करंटली वो है 14,499 और ये आपको जो है मेजॉरिटी काफ़ी ऑफलाइन स्टोर्स और इवन कुछ ऑनलाइन स्टोर्स पे भी देखने को मिल जाएगा. और अगर आपको इस पे जो है एक काफ़ी अच्छी डील चाहिए ओवरऑल तो RajMusicals.com को डेफिनेटली चेक करिए, या अगर आप डेली NCR में रहते हैं तो आप RajMusicals का स्टोर विजिट कर सकते हैं और वहाँ जाके जो है अमेजिंग ऑफर्स अवेल कर सकते हैं. ये जो वीडियो है दिस इज़ इन कोलैबोरेशन विद RajMusicals. तो बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि भी RajMusicals से ऑनलाइन अगर हम लेते हैं तो कैसा एक्सपीरियंस रहता है, तो चलिए अब वो मैं शेयर करता हूँ आपके साथ. तो ये गिटार जो है ये दो बॉक्सेस में पैक होकर आता है. ओवरऑल जो पैकेजिंग है बहुत अच्छी क्वालिटी की है. तो यहाँ पे जो गिटार है काफ़ी सेफली पैक होकर आया. आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एयर पिलोज यूज़ करे हैं रादर देन बबल रैप. और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ओरिजिनल बॉक्स पे क्वालिटी चेक का स्टिकर भी है. तो यहाँ जो Kramer का बॉक्स है उसको खोलकर देखते हैं और यहाँ पे आपको एक पैडेड बैग के अंदर जो है गिटार देखने को मिल जाएगा. तो यहाँ पे जो गिटार है वो एकदम सेफ डिलीवर होता है इस पूरी पैकेजिंग में. तो आपने देखा कि कितनी बढ़िया पैकेजिंग रही है. यहाँ पे आपको अच्छी पैकेजिंग के अलावा कुछ बहुत बढ़िया एक्सेसरीज भी मिलती हैं. तो अब अगर हम एक्सेसरीज की बात करें तो यहाँ पे जैसे कि आपने वीडियो में देखा ही अभी कि एक पैडेड बैग आपको मिलता है. ओवरऑल ये जो बैग है डिसेंट पैडेड है लेकिन आपका जो है पर्पस सॉल्व कर देगा. आपको इमीडिएटली जो है कोई बैग में इन्वेस्टमेंट करने की नीड नहीं है. इसके अलावा यहाँ पे आपको जो है कुछ बड़ी बढ़िया एक्सेसरीज भी देखने को मिल जाती है. तो यहाँ आपको कुछ पिक्स मिलती हैं, स्ट्रैप मिलता है और कुछ स्पेयर इलेक्ट्रिक गिटार स्ट्रिंग्स मिलती हैं. तो ये सारी चीज़ें तो मिल ही रही हैं लेकिन यहाँ पे एक चीज़ मेरे को बड़ी सरप्राइजिंग लगी वो है कि आपको इलेक्ट्रिक गिटार के साथ जो है एक ब्रांडेड केबल मिलती है. तो अगर आप कोई भी इलेक्ट्रिक गिटार लेते हैं RajMusicals की वेबसाइट से तो यहाँ पे आपको जो है एक क्वालिटी केबल साथ में मिलेगी. एक प्रॉपर सेटअप किया जाता है गिटार का डिस्पैच करने से पहले
यहाँ राज म्यूजिकल्स की जो है अपनी एक कॉम्प्रिहेंसिव गिटार चेक लिस्ट है, जिसमें काफ़ी डिटेल से जो है वो एक एक चीज़ को अच्छे से चेक करते हैं। गिटार के सेटअप के बाद जो है एम से कनेक्ट किया जाता है चेक करने के लिए कि कोई दिक्कत तो नहीं है गिटार के अंदर। इसके बाद जो है गिटार को अच्छे से क्लीन किया जाता है और फाइनली गिटार को पैक कर दिया जाता है एंड इट इज़ प्रिपेयर्ड फॉर डिस्पैच। तो जैसा कि मैंने आपको भी बताया कि इस गिटार का जो है प्रॉपर सेटअप होके आता है अगर आप rajmusicals.com से लेते हैं तो ओवरऑल आउट ऑफ द बॉक्स जो है सेटअप एकदम परफेक्ट था। यहाँ पे मुझे कुछ भी एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ी, बस जो है आपको थोड़ा सा ट्यून करना पड़ता है क्योंकि ऑब्वियसली स्टैंडर्ड ट्यूनिंग में आपको जो है गिटार रिसीव नहीं होगा। तो यहाँ पे ट्यून करने के अलावा जो है इट वॉज रेडी टू प्ले। तो एस्थेटिकली ये गिटार जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे आपको कई कई डिफरेंट चीज़ें देखने को मिल जाती है जो कि आपको बाकी ब्रांड्स में देखने को नहीं मिलेंगी। सबसे पहले यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इन नॉब्स की तो ऐसा लगता है जैसे कि किसी गिटारिस्ट ने जो है एक ट्रेडिशनल स्ट्रैट लिया और उसमें जो है नॉब्स चेंज कर दी। यूजुअली क्या होता है जो स्ट्रैट डिजाइन गिटार्स होते हैं उसमें आपको जो है वो वाइट नॉब्स मिलती है जिसमें 1-10 की नंबरिंग होती है। यहाँ पे लेकिन आपको ये क्रोम नॉब्स देखने को मिल जाती हैं जो कि बहुत ही एक अलग लुक देती है और बहुत ही अमेजिंग लगती हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो पिकअप्स है वो है क्रीम कलर की और ये पिक गार्ड जो है वो वाइट कलर का है। तो यहाँ पे पिकअप्स का कलर जो है मेरे को बड़ा अच्छा लगा, इस कलर के साथ काफ़ी अच्छा ब्लेंड करता है। इसके अलावा क्रेमर ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टच दिया इस इलेक्ट्रिक गिटार में कि जो बॉडी का कलर है वही सेम आपको हेडस्टॉक में भी देखने को मिल जाता है। तो मैचिंग हेडस्टॉक कलर जो है एक बहुत ही प्रीमियम फीचर होता है और यूजुअली अगर आप एंट्री लेवल गिटार्स में देखेंगे तो आपको या तो हेडस्टॉक मेपल का ही मिलता है या इसके अलावा जो है ब्लैक पेंट होता है। तो एस्थेटिकली जो है गिटार जो है बहुत ही अच्छा लगता है। और यहाँ पे मेन पॉइंट मैं बात करूँ एस्थेटिक्स में तो वो है कलर। तो यहाँ पे जो इसमें कलर्स आपको देखने को मिल जाते हैं वो बहुत ही अमेजिंग है और बहुत ही डिफरेंट है। तो यूजुअली वही सनबर्स्ट, वाइट, ब्लैक, उस तरीके के कलर से अगर आप बोर हो चुके हो और आपको कोई डिफरेंट कलर चाहिए तो यहाँ क्रेमर फोकस सीरीज में आपको जो है काफ़ी यूनिक कलर्स देखने को मिल जाते हैं। डेफिनेटली ये फ्लैशी कलर्स हैं, 80s का एरा याद दिलाते हैं, लेकिन दे आर वेरी नाइस, वेरी अमेजिंग। और आप जब इस गिटार को होल्ड करेंगे तो ये अलग ही शाइन करेगा। वेट डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूँ तो ये गिटार जो है ना तो बहुत हल्का है ना ही बहुत भारी है, एकदम वेल बैलेंस्ड है और बहुत ही कंफर्टेबल लगता है होल्ड करने में। फ्रेटबोर्ड की बात करें तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि आपको मेपल फ्रेटबोर्ड देखने को मिल जाता है। तो ये फ्रेटबोर्ड बहुत अच्छे से फिनिश्ड है, ओवरऑल काफ़ी स्मूथ लगता है प्ले करते हुए। तो यहाँ पे मेरे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई प्ले करते टाइम। यहाँ आपको 21 फ्रेट्स देखने को मिल जाते हैं इस गिटार में। तो 21 फ्रेट्स जो है एक क्लासिक स्ट्रैट डिजाइन इलेक्ट्रिक गिटार में आपको देखने को मिलते हैं। अब ये जो चीज़ है वो एक पर्सनल प्रेफरेंस हो जाती है, जैसे कि मेरे को पर्सनली जो है 22 फ्रेट्स वाला गिटार जो है वो ज़्यादा समझ आता है, लेकिन बहुत से लोग हैं जो कि 21 फ्रेट्स का गिटार भी प्रेफर करते हैं। जैसे कि मैंने कुछ साल पहले फेंडर बुलेट स्ट्रैट रिव्यू किया था, उसमें भी 21 फ्रेट्स होते हैं लेकिन वो एक बहुत ही पॉपुलर मॉडल रहा है और ऐसे मैंने कभी भी किसी के मुंह से नहीं सुना कि 21 फ्रेट्स में उनको कोई दिक्कत हो। फ्रेट्स की बात करें तो यहाँ पे जो फ्रेट्स है वो बहुत अच्छे से फाइल्ड है, ओवरऑल जो है यहाँ पे फ्रेट्स काफ़ी स्मूथ है। यहाँ पे आपको कोई भी फ्रिक्शन नहीं होगी स्ट्रिंग्स को जब आप बेंड कर रहे हैं या विब्राटो कर रहे हैं। और यहाँ पे अगर आप अपना हैंड मूव करते हैं तो आपको जो है फ्रेट एंड्स चुभेंगे नहीं। तो फ्रेटबोर्ड के अलावा यहाँ पे अगर मैं नेक प्रोफाइल की बात करूँ तो यहाँ पे आपको एक स्लिम सी शेप नेक प्रोफाइल देखने को मिल जाती है विच इज़ वेरी कंफर्टेबल इस प्राइस रेंज में। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट नेक्स दैट आई हैव ट्राइड। इसके अलावा यहाँ पे अगर मैं ट्यूनिंग कीज की बात करूँ तो जैसे कि मैंने आपको स्पेक्स में बताया कि यहाँ पे आपको जो है क्लोज बैक ट्यूनिंग कीज देखने को मिलती है। तो ये ट्यूनिंग की इसकी क्वालिटी जो है वो तो अच्छी है, लेकिन ये मेरे को जो है स्लाइटली सी स्टिफ लगी, जो कि एक अच्छी चीज़ भी है क्योंकि जो है इतने आराम से मूव नहीं करती तो गिटार जो है इजीली डीट्यून नहीं होगा। यहाँ पे स्ट्रिंग्स की बात करें तो यहाँ पे आपको 942 गेज की स्ट्रिंग्स देखने को मिल जाती हैं। तो ये स्ट्रिंग्स जो है मेरे को डिसेंट लगी, इन द सेंस कि अगर आप एक बिगिनर है इलेक्ट्रिक गिटार शुरू ही कर रहे हैं तो आपके लिए ये स्ट्रिंग्स जो है सफिशिएंट है, आपको जो है चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कुछ टाइम तक तो आप ये स्ट्रिंग्स चला सकते हैं, लेकिन अगर आप एक इलेक्ट्रिक गिटार प्लेयर है और आपने ये गिटार एज अ सेकंड गिटार लिया है तो शायद जो है डिपेंडिंग आपके यूसेज पे, आपकी प्लेबिलिटी पे, आपको जो है स्ट्रिंग शायद चेंज करने की ज़रूरत पड़े। यहाँ पे हार्डवेयर की बात करें तो यहाँ पिकअप सिलेक्टर में कोई भी दिक्कत नहीं है। इसके अलावा जो नॉब्स हैं वो बहुत ही स्मूथ हैं, बहुत ईजिली जो है मूव करती हैं। यहाँ पे आपको एक टिपिकल ट्रेमोलो ब्रिज देखने को मिल जाता है। यहाँ स्प्रिंग कैविटी के कवर प्लेट की बात करें तो यहाँ पे आपको जो है दो स्लॉट्स मिल जाते देखने को, जिससे बिना ये बैक प्लेट हटाए आप फाइन एडजस्टमेंट कर सकते हैं अपने ब्रिज की। और यहाँ अगर मैं ट्रेमोलो सिस्टम की क्लॉ की बात करूँ तो यहाँ पे इसकी क्वालिटी मेरे को अच्छी लगी और जो है यहाँ पे स्प्रिंग्स की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। तो इसमें आप 946 गेज की स्ट्रिंग्स तो लगा ही सकते हैं,
1046 या उसके बियॉन्ड प्रोबेबली आपको एक एक्स्ट्रा स्प्रिंग लगाने की जरूरत पड़ सकती है। तो चलिए इस गिटार का साउंड चेक कर लेते हैं। तो साउंडवाइज आपको एक वर्सेटैलिटी सुनने को मिल जाती है इस गिटार से, क्योंकि यहाँ पे आपको HSS पिकअप कॉन्फ़िगरेशन मिल रहा है। जैसा कि मैं पहले भी अपनी कुछ वीडियोस में बता चुका हूँ, जो HSS पिकअप कॉन्फ़िगरेशन है, दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट पिकअप कॉन्फ़िगरेशन जो कि एक बिगनर इलेक्ट्रिक गिटार प्लेयर को लेनी चाहिए। इससे जो है अलग अलग जॉनर्स प्ले कर सकते हैं, अलग अलग चीज़ें सीख सकते हैं। तो ओवरऑल साउंड वाइज, लुक वाइज एंड डिज़ाइन वाइज मेरे को ये इलेक्ट्रिक गिटार जो है बहुत अच्छा लगा। अगर इसमें कुछ ऐड करना होता तो मैं इसमें एक फ्रेट ऐड करता और इसको 22 फ्रेट का गिटार बना देता, दैट्स ऑल। इसके अलावा ये गिटार जो है मेरे को एंट्री लेवल सेगमेंट में जो है वन ऑफ द बेस्ट गिटार्स लगा है अभी तक, क्योंकि 12 से 14,000 रुपये की प्राइस रेंज में आपको जो है इतना बढ़िया गिटार मिल रहा है। और अगर आप राज म्यूजिकल से लेते हैं तो इसमें आपको कुछ एक्साइटिंग ऑफर्स भी मिल सकती हैं। इसके अलावा जो है आपको कुछ क्वालिटी एक्सेसरीज भी फ्री मिल रही है, तो डेफिनेटली ये जो है वैल्यू फॉर मनी गिटार है। तो ये इलेक्ट्रिक गिटार आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। अगर कोई डाउट्स या क्वेरीज है इस गिटार से रिलेटेड तो वो भी कमेंट करिए, मैं जरूर आंसर करूंगा। अगर आज की वीडियो आपको यूजफुल लगी हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए तो जरूर सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ उस बेल आइकन पे भी क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पे, जिसके लिंक्स मिल जाएंगे आपको डिस्क्रिप्शन में। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। बाय।